पंजाबी समुदाय का प्रमुख पर्व इंदौर शहर में अलग अलग स्थानों पर धूमधाम के साथ मनाया गया। इस दौरान समाज की महिलाओं ने व्रत रखकर समाज और परिवार के कल्याण की मंगल कामना की। वहीं समाजजनों ने पर्यावरण संरक्षण का ध्यान रखते हुए लकड़ी का उपयोग कम से कम करते हुए गोबर के कंडे और घास की पिंडों का इस्तेमाल किया। लोधीपुरा में लोई सजाई गई, जहां पर महापौर मालिनी गौड़ व पूजा अर्चना की, साथ ही पर्व की सभी को बधाइयां भी दी। इस दौरान समाज के सभी लोगों ने लाल लोई की नाचते हुए झूमते हुए परिक्रमा भी की। आज बहुत ही सुंदर सिंधी समाज और सिख समाज का लाल लोई पर्व है। मैं सभी समाजजन को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और हमारे लोधीपुरा दो नंबर में हेमा पंजवानी जी इस कार्यक्रम को बहुत ही अच्छे तरीके से मनाते हैं। पूरे मोहल्ले वाले इस कार्यक्रम में इकट्ठे होते हैं, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं। सभी लोग इस त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाते हैं। और हेमा पंजवानी जी शीतला माता बाजार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी अभी निर्वाचित हुए, मैं उनको निर्वाचित होने की भी बधाई देती हूँ और लाल लोई पर्व की भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। इस पर्व पे जब घर में बच्चा जन्म लेता है तो उस घर में पहला कार्यक्रम लाल लोई का होता है। इसका बहुत महत्व है और ख़ासकर पंजाब और सिंधी समाज में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। पंजाबियों का जो लोहड़ी पर्व होता है वो होली के आसपास होता है, और ये सिंधी समाज का लाल लोई पर्व है, और इसके लिए मैं बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं। पर्व का मेन जो रीज़न है वो ये है कि लालोई एक माता होती है, वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट कर, इस वजह से ये लालोई का त्यौहार मनाया जाता है। स्पेशली हमारे मोहल्ले में इसका कुछ ज़्यादा ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे हम ही एक सिंधी परिवार हैं, लेकिन सब मिलकर इसको इतनी खुशी से मनाते हैं और इतना इंजॉय करते हैं कि लगता नहीं है कि सिर्फ हम सिंधी हैं, सब एकजुट होके सब मिलकर मनाते हैं और खूब खुशी मनाते हैं। इसलिए हम इस त्यौहार का बहुत इंतज़ार रहता है, साल में एक ही बार आता है तो इसका बहुत इंतज़ार रहता है।